Good afternoon, everyone. This is Chef Arif. It's very traditional from Hyderabad. It's called tomato cut. This is a tomato-based gravy. The boiled egg in the top and some garnish. And it's go very well with the shirmal. The bread, this Hyderabadi shirmal. It's called shirmal, the bakery one. And if you have Hyderabadi food, then you need the badiya and the masala mirchi, dahi wala. And you go with the ghee rice, you can try with the white rice also, but go very well with the biryani rice also. So enjoy the recipe, coming soon. पीस ऑफ एग इज गेटिंग बॉयल, ठीक है। 12 अंडों को अच्छे से बॉयल करके इसका छिलका निकाल के 1/2 काट के रख लेना है। एक फ्रेश कोकोनट, इसको काट के बारीक से मिक्सर ग्राइंडर में उसका पेस्ट करके रेडी रख लेना है, ठीक है। ठीक है, जितना पानी लगता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्ट्रेन ही करना है बाद में। 1.5 kg टमाटर है, ठीक है, इसको 1/4 काट लेंगे। 2 dinner spoon धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, ठीक है। ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, ऐसी डालना डंडी के साथ, ठीक है। सारा वॉश करके बढ़िया से ऐसी डाल देना इसमें, ठीक है। और इसमें डालेंगे हरी मिर्च सारी, आप जितना स्पाइसी खा सकते हो उतना, ठीक है। कोकोनट का जो हमने फ्रेश कोकोनट का पेस्ट बनाया था, ये भी इसमें डालेंगे, ठीक है। डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, वैसे रेसिपी अकॉर्डिंग अखा पड़ता है, बट वो लोग पीसते हैं उसको, पीस के बनाते हैं, बट हम लोग उस ओरिजिनल बना रहे हैं जो घर में बनता है, ठीक है। वो तो शादियों केटरिंग में उनको हिसाब किताब बराबर होना था, इसलिए वो लोग पीस के उसको छान के बना देते हैं, बट हम इसका खाली जूस निकालेंगे, ठीक। तो उसको भी 10 सीटी मारेंगे पानी डाल के, हम लोग 2 गिलास पानी डालना है, ठीक है। कम ज्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको 10 सीटी मारना है प्रेशर कुकर में। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, उसके बाद उसको लगड़ के पेस्ट कर लेंगे, स्टेन कर लेंगे, पल्प अलग, वो छिलका अलग हो जाएगा, बीज अलग हो जाएगा, जो भी कचरा है वो सारा हट जाएगा, ठीक है। बेस यही है, बस इसको चढ़ाना है, बाकी की कहानी बाद में शुरू होगी। अभी 10 सीटी के बाद इतना गल जाता है, बस इसको स्टेन डाल के स्टेन कर लेना है, ठीक है। पल्प और जूस निकाल लेना है इसका, स्टेन डाल के बस इसको स्टेन करना है, पीसना नहीं है, ठीक है। स्टेन कर लेना है इसका, घस के लगड़ के इसका स्टेन करके निकाल देंगे, जितना जूस निकलेगा पल निकलेगा वो नीचे आ जाएगा, कचरा आउट, ठीक है। पनीर टमाटर कट भी मिल सकता है इससे, बहुत बार बनाया भी मैंने, पनीर के साथ बहुत अच्छा लगता है, या फिर अंडे को जो बॉयल किए हैं उसको खीमे की कोटिंग करके डीप फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं, आप जो मर्जी डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है इसका, वेरी सिंपल है बट वेरी टेस्टी। स्ट्रेन कर लेना, ठीक है। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, ठीक है, कुकर में ही डाल के, टमाटर स्ट्रेन किया ना, कुकर में घोल के डाल दिया है, मसाला वगैरह कुछ लगा होगा तो सारा निकल जाता है, ठीक है। बस इसको चढ़ाना है, एक जैसा बॉयल आएगा, फिर इसकी सीजनिंग और टेम्पटिंग करनी है दोनों, और इसको रोस्टेड चना पाउडर के साथ इसको बंद लगाना है, बंद। एक बॉयल आ गया, अभी इसकी गैस बंद कर देते हैं, अभी लगाते हैं प्यान, जैसे कि इसमें बनाते हैं बंद, इसका बन बनाते हैं रोस्टेड चना पाउडर से, ठीक है। तो ये 4 चम्मच चाय का रोस्टेड चना पाउडर है, ये है रोस्टेड चना, इसका हमने पाउडर कर लिया है, ठीक है। 1 ग्राम देसी घी, ठीक है, इसको जैसे हल्का गर्म हो जाएगा, जैसे मेल्ट होगा वैसे डालना है तो घी जल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको भून लेना है, बस अच्छे से भून लेना है घी में, ठीक है, झाग आएगा ऐसे इसको भून लेना है, अच्छी ये सोनी खुशबू आएगी, गैस को बंद कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा टमाटर का जो कट का जूस है वो डाल देना है इसमें, फिर सारा उसको हांडी में पलटा देना है, जलाना नहीं है, बस ये बढ़िया से कलर आ गया इसका, गोल्डन हो गया, काफी है, ठीक है। गैस को करना है बंद,
अब इसमें डालना है जो हमने स्टॉक निकाल के रखा है। इसको बोलते हैं बन लगाना, बन मतलब बेसिकली जो है ना ये इसको थिक करेगा, तभी इसमें वो लुक आएगा। ठीक है, अभी सीजनिंग बाकी है इसकी, ये तो सेकंड प्रोसीजर हो गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके जो हांडी में हमने निकाला है उसमें इसको पलटा देंगे। ठीक है, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सॉरी है, ऐसे सारा डाल के भी इसको पकाना है। अब इसको गाढ़ा होगा ये, ठीक है, इसको पकाना है करीब 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, मिर्च, लहसुन, कलियां, इसकी सीजनिंग ये है कि इसका खाली जो सीजन गरम पूरा अच्छे से जलाने के बाद इसको छन्नी लगा के खाली इसका ऑयल डालते हैं। ठीक है, सीजनिंग डायरेक्ट नहीं डालते, जो सीजनिंग है आप चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हो, जो असली रेसिपी है ना उसमें डायरेक्ट सीजनिंग नहीं पड़ती है, छन्नी लगा के सीजनिंग डालते हैं, तो जो फ्लेवर है ऑयल में सारा आ जाता है, लहसुन का, कलौंजी का, जीरे का, सूखी मिर्च का। इसको फिर करी पत्ता अगर चाहें तो डाल सकते हैं, करी पत्ता रेसिपी में नहीं है बट फिर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से लाल होने देंगे, इसका डालेंगे करी पत्ता, इसका डालेंगे जीरा, इसका डालेंगे कलौंजी, मिर्ची और लहसुन अच्छे से हो गया, करी पत्ता डाल देते हैं इसमें। ठीक, जीरा, इसको अच्छा काला करना है बंगाल को। ठीक है, बगैर जितना काला होगा उतना फ्लेवर आएगा, कलौंजी, ठीक है, एकदम जेड ब्लैक करना है इसको, लगा लेना इसके ऊपर ग्रेवी के ऊपर और ये जल जाएगा। ठीक है, अब इसको पकाना है, बगैर डालने के बाद 10 मिनट इसको पकाना है। ठीक है, डालने के बाद उसको 1/2 काट के ऐसे लगा देना, अंडे को कोई टॉस वॉस नहीं करना, जैसे अंडा करी के लिए करते हैं, बस इसको बॉइल्ड एग लगाना है, आप चाहे तो फ्राइड एग लगा दें, मुझे बहुत पसंद है फ्राइड एग, बट रेसिपी के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके तौर पे आप सूखा मिर्च लहसुन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेस्ट थोड़ी करना, हम तो घर पे हैं, होटल में थोड़ी है, बाद में मैं आपको फोटोशूट करने के बाद जीरा और कलौंजी भी डाल दूंगा, करी पत्ता भी डाल दूंगा। सारा ऐसे लगा लेंगे, ऊपर सॉस नीचे डालना है, अंडे ऊपर सॉस नीचे। ठीक है, बस गाढ़ा हो रहा है, थिकनेस हो गया, आते ही हम इसमें साइड से डाल देंगे। ठीक है, इतना रिड्यूस हो गया, ऊपर था ना इतना नीचे तक आ गया, इतना रिड्यूस हो गया। ठीक है, तभी ये गाढ़ा हो गया एकदम बढ़िया, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी निकालने से पहले। ठीक है,